हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल आप सभी का स्वागत है एस एस सी सीजियल प्नकल क्लासेस के अंदर मैं आपका अपना रोहित सर और बात कर रहे हैं एडियम्स के बारे में एडियम ऐसा एडियम जो किससे बे, बेगिन होता है भाई किससे स्टार्ट होता है लेटर बी से स्टार्ट होने वाले ए वाले को हमने फाइनल कर लिया जो ए से स्टार्ट होते हैं उनको हमने क्या करा भाई खत्म करा है आराम से खत्म करा है ठीक है बी वाली बात चल रही है कि बी के कितने एडियम्स हैं आ जाओ जरा देखते हैं कितने क्वेश्चन हमने करे थे इसमें चलो फोर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 451 दिख रहा है तो 451 ये बता रहा है कि साढ़े चार सौ क्वेश्चन आप कर चुके हो एडम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर ठीक है।, है चलो 451 की बात कर लेते हैं 451 क्या कह रहा है चलो आ जाओ जरा बीट अबाउट द बस बीट अबाउट द बस का मतलब क्या हो गया भाई बीट अबाउट द बस हो सकता है या फिर बीट अराउंड द बस हो सकता है बीट अराउंड द बस है ना बीट अराउंड द बुस या बीट अबाउट द बुस मतलब होता है क्या कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हटा के बाकी इधर उधर की बात करना ठीक है गोल गोल घुमा के बातें करना कहलाता है क्या बीट अराउंड द बुस गोल गोल घुमा के बात करने को क्या बोलते हो बीट अराउंड द बुस बोलते हो या बीट अबाउट द बुस बोलते हो कि जो इम्पोर्टेंट बात है जो महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में बातचीत नहीं करो बिल्कुल

बातचीत नहीं चल रही है उसकी बात कर रहा बीट अबाउट द बस बर्ड्स आई व्यू बर्ड्स आई व्यू क्या होता है भाई बर्ड्स आई व्यू मतलब क्या होता है सर ओवर व्यू लेना सिर्फ और सिर्फ ओवर व्यू लेना ऊपर से एक सामान्य दृश्य से क्या जो बर्ड्स ऊपर फ्लाई कर रही होती हैं वो नीचे देख रही होती है बस सिंपल वो मतलब एक ऐसे मतलब रैंडम देख लिया उन्होंने कुछ उनका स्पेसिफिक नहीं होता है वही बोल रहा है बर्ड्स आई व्यू मतलब एक ओवर व्यू लेना किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप ओवरव्यू ले रहे हो उसको क्या बोलेंगे भाई बर्ड्स आई व्यू बोलेंगे बर्ड्स आई व्यू क्लियर है चलो फोर फाइव थ्री कह रहा बाय बाई फेयर और फाउल मींस इन ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे किसी भी तरह से है ना बाय हुक और बाय क्रूक यहां से क्या याद रखेंगे बाय हुक और बाय क्रुक बाय हुक और बाय क्रुक ठीक है किसी भी तरीके से कोई भी तरीके से आप किसी भी तरीके बाई एनी मीन्स राइट चाहे आप उसको सही तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करो या किसी चीज़ को अचीव करो या गलत तरीके से तो वही चीज़ यहाँ पे यूज हो रहा है क्या बाई फेयर मतलब क्या ऑनेस्ट या बाई फॉल मीन्स मतलब डिसऑनेस्ट या तो फेयर तरीके से या uh, क्या करते हैं भाई या फॉल तरीके से किसी भी तरीके से मतलब क्या किसी भी तरीके से मतलब क्या इन ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे क्लियर है ना बाई फेयर और फॉल मीन्स मतलब क्या इन ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे क्लियर है बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर का मतलब होता है क्या कि सेम फीदर का सेम uh, सारे पंख वंख का लगा हुआ बर्ड मतलब सेम वैसा ही बर्ड जैसा कोई दूसरा बर्ड है 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 ना सेम वैसा ही बर्ड बर्ड जैसे कोई दूसरी बर्ड है, उसके बारे में बोल रहा है क्या बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर एक जैसे दिखने वाले एक जैसे फीदर वाले बर्ड्स तो उसको क्या बोलेंगे पर्सन ऑफ सेम करेक्टर है ना सेम करेक्टर वाला यहाँ पे बर्ड्स की जगह पे क्या प, प्लेस करना है पर्सन प्लेस करना है क्या प्लेस करना भाई पर्सन की बात कर रहा है पर्सन ऑफ द सेम कैरेक्टर फिदर की जगह पे क्या हो जाएगा कैरेक्टर हो जाएगा तो सेम कैरेक्टर के इंसान इंसान है ना इंसान बाई फेयर और फॉल मीन का मतलब क्या हो गया भाई इनऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे मतलब किसी भी तरीके से है ना आदा जरा बीट अराउंड द मतलब गोल गोल घुमा के बातचीत करना स्पेसिफिक uh, बात ना करना बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सिर्फ ओवरव्यू लेना है ना बिल्कुल स्पेसिफिकली उसमें जाकर डेप्थ में नहीं देखना सिर्फ ओवरव्यू लेना 453 फिफ्टी थ्री बाई फेयर और फोर्स बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर मतलब पर्सन जो कि क्या हो भाई पर्सन जो कि सेम करेक्टर का हो पर्सन जो कि सेम करेक्टर का हो ठीक है उनको बोलते हैं क्या बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर 455 बी टेकन अ बैक टेकन अ बैक या बी टेकन अ बैक आपको दोनों देखने को मिल सकता है पेपर में या तो सिर्फ और सिर्फ टेकन अ बैक देखने को मिल जाए टेकन अ बैक अगर ये मीनिंग दिख जाए ठीक है या बी टेकन अप बैक बिल्कुल सरप्राइज हो जाना क्या हो जाना भाई सॉफ्ट हो जाना या सरप्राइज हो जाना क्या सॉफ्ट हो जाना या फिर सरप्राइज हो जाना उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बी टेकन अप बैक क्या बी टेकन अप बैक डन है ब्रिंग डाउन द हाउस ब्रिंग डाउन द हाउस क्या करना भाई ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है टू मेक एवरी वन चीयर टू मेक एवरी वन चीयर या फिर ऑडियंस ग्रेटली वाह लुटाना या वाह पाना जो कॉमेडियन होते हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं वो लोग क्या करते हैं भाई ब्रिंक डाउन द हाउस करते हैं मतलब आ, आप इतने तरीके से ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लियो इस तरीके से कि आप एम्यूज करो ऑडियंस को ग्रेटली मतलब वाहवाई पा रहो क्या करो भाई वह वाई पारो टू मेक एवरी वन चीयर क्या करो भाई हर इंसान को चीयर करो है ना हर इंसान को क्या करो खुश करो तो वो आपको वाहवाही दे रहा है हाउस डन है ब्रिंग डाउन द हाउस बी टेकन अ बैक मतलब सॉक्ट या फिर सरप्राइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो 457 457 क्या कह रहा है द मार्क इड द मार्क मतलब यहां पर बात करनी थी इस वाले मार्ग की हम यहां वाले मार्ग की बात कर रहे हैं मतलब हम यहां पे बातचीत कर रहे हैं यहां बातचीत करनी थी इस वाले पॉइंटर की यहां बातचीत कर रहे हैं मतलब क्या इरेलीवेंट क्या हुआ भाई इलिवेंट इेलीवेंट है ना जिसका कोई इंपॉर्टेंट ना हो जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो नॉट टू बी एक्यूरेट अप्रासंगिक नॉट टू बी एक्यूरेट बिसाइड द मार्क इसको नोट डाउन करना पड़ेगा नोट डाउन करके ही याद कर पाओगे इसकी कोई स्टोरी नहीं बन पाएगी भाई बिसाइड द मार्क की मीनिंग क्या होगा भाई नॉट टू बी एक्यूरेट इररिलेवेंट ठीक है डन ब्रेक डाउन होना क्या करना भाई ब्रेक डाउन होना ब्रेक डाउन की मीनिंग क्या हो, हो जाती है भाई ब्रेक डाउन मतलब आप अपनी हिम्मत को हार चुके हो

अगला कह रहा है बेगर डिस्क्रिप्शन बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है भाई कैन नॉट बी एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जिसको डिस्क्राइब किया जा सके बेगर डिस्क्रिप्शन क्या होगा भाई बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब क्या एक ऐसा डिस्क्रिप्शन एक ऐसा वर्डन जिसके बारे में एक्सप्रेस एक जिसको एक्सप्रेस ना किया जा सके जिसके बारे में ना बताया जा सके कैन नॉट बी डिस्क्राइब कैन नॉट बी डिस्क्राइब इसको क्या बोलते हैं भाई बेगर डिस्क्रिप्शन क्या बेगर डिस्क्रिप्शन बेगर डिस्क्रिप्शन बेगर डिस्क्रिप्शन की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई जिसको आप डिस्क्राइब ना कर पाओ जिसको आप एक्सप्लेन ना कर पाओ दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन जिसको आप एक्सप्लेन ना कर पाओ दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन क्लियर है ब्रेकअप ब्रेकअप मतलब डिसबैंड होना डिसबैंड इटसेल्फ है ना द ब्रेकिंग ऑफ अ रिलेशनशिप और एसोसिएशन है ना डिसबैंड कर देना मतलब अलग हो जाना डिटैचमेंट हो जाना क्या डिटैचमेंट अलगाव डिटैचमेंट मतलब क्या हो गया भाई अलगाव ब्रेकअप मतलब डिसबैंड इटसेल्फ खुद को क्या कर लेना भाई अलग कलर बैंड कर लेना मतलब क्या हो गया द ब्रेकिंग अप ऑफ रिलेशनशिप और एसोसिएशन किसी भी एसोसिएशन से किसी भी जैसे आप एसोसिएट करके किसी कोई काम करो तो वहां से क्या हो गया आपने कर मतलब वहां से भी क्या हो गया? अलग हो गए डिटैच हो गए उसको बोलते हैं ब्रेकअप और यहां से बेगर डिस्क्रिप्शन दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड जिस चीज को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको बोलते हैं क्या बेगर डिस्क्रिप्शन यहां से आपने बेगर डिस्क्रिप्शन करा और आगे बात चली तो पता चला कि आप बिसड द मार्क बिसाइड द मार्क की मीनिंग हो गया भाई इनरेलीवेंट थिंग इनरेलीवेंट थिंग जिसका कुछ भी रिलेशन नहीं है कोई भी मतलब नहीं है उसको बोले ब्रेकडाउन का मतलब होता है क्या अपना कंट्रोल खो देना अपने ऊपर अपने इमोशन पे अपना कंट्रोल खो देना ब्रेक डाउन हो जाना रोने लगना है ना सिचुएशन को संभाल नहीं पाना हिम्मत हारना राइट right? अब याद करा रहा हूं मैं ध्यान से देखो ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब क्या होता है ब्रिंग डाउन द हाउस ब्रिंग डाउन द हाउस की मीनिंग होती है भाई कि मतलब इस तरीके से ऑडियंस को रखना कि पूरी ऑडियंस आपके लिए अप्रॉज करे आपको वाहवाही दे कि आपने बहुत अच्छे से उनको चीयर करा है राइट दैट इज वॉट ब्रिंग डाउन द हाउस बी टेकन अप बैक बी टेकन अप बैक की मीनिंग होती है सरप्राइज होना या सॉफ्ट होना किसी चीज से किसी सिचुएशन से किसी पर्सन से आप बिल्कुल टेकन अप बैक हो गए मतलब सरप्राइज हो गए सॉफ्ट हो गए बाई फेयर और फॉल means का मतलब क्या होता है किसी भी तरीके से बाई ऑनेस्ट या फिर बाई ऑनेस्टी या फिर क्या बाई डिस ऑनेस्टी किसी भी तरीके से कोई चीज करना मतलब क्या बाई एनी means किसी भी सोर्स के थ्रू कोई चीज करना उसको बोलते हैं क्या बाई फेयर और फॉल मीन्स बर्ड्स ऑफ द सेम feather का मतलब क्या हो गया भाई बर्ड्स ऑफ द सेम feather मतलब एक जैसा होना पर्सन विद द सेम characters ऐसे लोगों का साथ होना जिनके कैरेक्टर में क्या हो भाई कहीं कोई अंतर न हो सेम कैरेक्टर वाले लोग बर्ड्स आई व्यू मतलब सिर्फ ओवरव्यू लेना बिल्कुल ऐसे देख लेना कि बिल्कुल में के ना देखना बीट मतलब पॉइंटर मतलब, मतलब, वाली बात को ना बोलना. याद हुआ? याद हुआ साथ साथ बोले होगा तो याद तो हो गया होगा ब्रेक डाउन कर लिया था बेगर डिस्क्रिप्शन हो चुका था बेगर डिस्क्रिप्शन राइट चलो ब्रेकअप हो गया चलो आ जाओ फोर सिक्स वन बुल इन चाइना शॉप बुल इन चाइना शॉप चाइना चाइना के अंदर बुल घुस जाए। अब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन देखे मिट्टी के बर्तन है ना ये शॉप है और ये सारे मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं ये सारे मिट्टी के बर्तन रखे हैं समझो जरा चाइना शॉप की मीनिंग क्या हो गई? ये सारे मिट्टी के बर्तन रखे हुए ये सारे ठीक है और यहां से एंट्रेंस से क्या चला गया भाई बुल चला गया अंदर तो क्या क्या आप इमेजिन कर सकते हो तो क्या होने वाला है यहाँ पे तोड़फोड़ मचने वाली है क्योंकि वो वो जहां पे भी टकराएगा चीज टूट जाएगी गिर के है ना मतलब क्या एक क्या भाई क्लमजी पर्सन बिल्कुल अनाड़ी व्यक्ति है, है ना जो सीरियस ना हो अ पर्सन हु इज नॉट वेरी सीरियस अबाउट एनीथिंग क्या अ अ पर्सन बुल इन अ चाइना साहब का मतलब क्या हो गया अ पर्सन हु इज नॉट वेरी सीरियस हु इज नॉट वेरी सीरियस वेरी सीरियस अबाउट एनी है ना किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस ना ना होने वाला पर्सन अ पर्सन हु इज नॉट वेरी सीरियस अबाउट एनीथिंग है ना उसको बोलते हैं बुल इन अ चाइना सॉप चाइना सॉप में किसी बुल का होना ठीक है बी डाउन विथ बी डाउन विथ बी डाउन विथ मतलब क्या सफरिंग फ्रॉम Suffering from, मतलब क्या किसी चीज़ से बीमार हो जाना क्या बीमारी को बोलते क्या होता भाई बीमार होना ही होता है बीमार होना ये जो भी मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखो जो भी मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखो वो इम्पोर्टेंट है. है ना ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ताकि वो आपको याद रहे वो कैब याद करना मतलब ऐसे समझ लो कि जो आप YouTube पे देख रहे हो ना कि पांच मिनट में मैंने पांच हजार वर्ड करा देने हैं पांच मिनट में दो ही हजार अरे पांच मिनट में सौ वर्ड करा देने पांच मिनट में पाँच सौ वर्ड पढ़े कुछ उखड़ना है याद हो जाएगा नहीं ना तो जैसा करा रहा हूँ वैसे चुपचाप करो मेरे दोस्त है ना वही तरीका है त, सही तरीका है वो है ना क्योंकि मैंने प्रैक्टिकलिटी को देखा है ना मैंने वो चीजें फेस करी है अपनी लाइफ में वही चीज मैं आपको दे रहा हूँ

एप्पल ऑफ भी. वो भी सेम मीनिंग देता बोन ऑफ कंटेंशन वाली बोन ऑफ कंटेंशन ठीक है बैड हैड्स होना बैड हैड्स होना बैड हैट्स बैड हैड्स की मीनिंग क्या होगी भाई पीपल अ बैड कैरेक्टर परेशानी बढ़ाने वाला व्यक्ति बुरे लोग पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर होता है ना भाई कोई कोई ग्रुप में के अंदर एक ऐसा लड़का होता है एक ऐसा इंसान होता है जो बैड करेक्टर का होता है बैड करेक्टर इंदर से, से कही कहीं किसे ना कहीं किसी ना किसी से लफड़ा पालता रहेगा लड़ाई झगड़ा करता रहेगा किसी ना किसी को कुछ बोलता रहेगा ठीक है।, है तो बोले क्या बैड हैट्स तो वो क्या है आपकी ग्रुप का बैड हैट्स है, है ना बुरा बर्ताव करने वाला इंसान है बुरा बर्ताव करने वाला इंसान बुरा बर्ताव करने वाला इंसान उसको क्या बोलते हैं बैड हैट्स बोलेंगे बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़ा झगड़े का मुद, मुद्दा होना है ना झगड़े का कारण होना मैटर ऑफ डिस्प्यूट होना क्लियर है याद रहेगा बैड हैट्स और क्या बोन ऑफ कंटेंशन आगे बढ़ेंगे क्या बर्न योर बोट्स बर्न योर बोट्स सिंपल है ना बर्न योर बोट्स बता रखा कई बार क्या किया आपने ये पूरा का पूरा एक क्या है वाटर बॉडीज है ठीक है यहां से यहां आने के इस पर्टिकुलर ए से बी पे आने के कहीं कोई रास्ते नहीं है कहीं कोई दूसरा रास्ता नहीं है अब इस रास्ते पे आने के लिए आपके पास सिर्फ एक बोट है एक क्या है बोट है जिसका यूज आपने करना है अब इस बोट का यूज करके आप यहां तक पहुंच गए हो ठीक है अब वापस जाने से पहले ये यह बोट यहाँ पे थी ये बोट अब यहां से यहाँ पर आ गई है और यहां ये जल गई है ये बर्न हो गई है तो क्या किया इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन है वापस ना तो to to है वापस जाने के सभी संभावित तरीकों का तरीकों को क्या करना भाई खत्म कर देना नष्ट कर देना बर्न योर बोट्स का सिर्फ इतना मतलब होता है कि कोई ऐसा तरीका या फिर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं रखना कि आप वापस से वहां से रिटर्न हो पाओ दैट इज वॉट बर्न योर बोट्स है ना या फिर किसी इंसान के साथ ऐसा बिल्कुल एनिमोसिटी वाली वाली सिचुएशन 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 क्रिएट क्रिएट कर कर लेना situation, situation कर लेना एनमिटी जिसकी वजह से उसके बाद से आप कंसिलियट ना कर पाओ पैसिफाई ना कर पाओ चीजों को ईज ना कर पाओ है ना चीजों को संभाल ना पाओ ऐसी वाली सिचुएशन क्रिएट करना दैट इज वॉट बर्न योर बोट्स उसको क्या बोलते हैं भाई बर्न योर बोट्स बोलते हैं क्लियर है याद रहेगा चलो बट इन बट इन अब बट की स्पेलिंग देखो बट लिखा हुआ बट है ना बट इन बट इन क्या होता है भाई इंटरप्ट करना बाधा डालना है ना इम्पीड करना हिंडर करना क्या हिंडर करना बाधा डालना ब्लॉक करना भी होता है ब्लॉक करना मतलब क्या बाधा डालना ठीक है इम्पीड हिंडर इंटरप्ट ये सब क्या है भाई ब्लॉक ये सब क्या करना है भाई बट इन करना बाधा डालना तो बट की स्पेलिंग याद रखेंगे बट इन मतलब क्या लेकिन 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 से से भी भी याद रख सकते हो इसको किससे जब भी आता है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बाधा डालता है लेकिन ये नहीं हो सकता लेकिन वो नहीं हो सकता लेकिन ये नहीं कर सकते है ना तो बट इन मतलब क्या बाधा डालना हिंडर करना इम्पीड करना या फिर इंटरप्ट करना आई एन टी डबल आर यू टी इंटरप्ट ठीक है बर्न योर बोर्ड हो गया इंटरप्ट हो गया बैड है मतलब एक बुरा इंसान है ना बुरा व्यवहार करने वाला इंसान किसी भी ग्रुप का बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े का कारण होना मैटर ऑफ डिस्प्यूट ठीक है मतलब uh, मतलब क्या Suffering from या feeling low, मतलब low feel करना बुल चाइना पर्सन मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या करे भाई सीरियस ना रहता हो चीजों को लेके चलो ब्रिंग द हाउस डाउन ब्रिंग द हाउस डाउन हाउस डाउन ये बात कई बार आ चुकी है और यह बात मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ ब्रिंग द हाउस डाउन की मीनिंग क्या हो गई भाई ब्रिंग द हाउस डाउन की मीनिंग हो गई किसी को बहुत ज्यादा क्या करना भाई अपलॉज करना किसी को बहुत ज्यादा वाहवाही देना किसी को बहुत ज्यादा चीयर करना उसको क्या बोलते हैं भाई हाउस डाउन मेक द ऑडियंस अपलॉड इंथुजिया इंथुजियाली वाहवाही पाना है ना मेक द ऑडियंस अपलॉड आप क्या करो ऑडियंस को अपलॉड करने के लिए मजबूर कर रहे हो मजबूर इन द सेंस कि ऐसा कुछ बोल रहे हो जिसकी वजह से ऑडियंस बिल्कुल मतलब खिलखिला के हंस पड़ रही है आपको बहुत ज्यादा वाहवाही दे रही है चेयर कर रही है दैट इज वॉट ब्रिंग द हाउस डाउन और ये इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी करंट सिनेरियो में आपके जो स्टैंड अप कॉमेडियन शो हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लग गए हैं तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ब्रिंग द हाउस डाउन ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट है ना ब्लो वंस वंस मतलब अपना सॉरी किसी का हर किसी का या किसी का अपना ट्रम्पेट मतलब क्या गुड़गान है ना क्या करना भाई अपना ही गुणगान करना सिर्फ और सिर्फ हर किसी का कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा अपना गुणगान कर रहा है तो ब्लो वंस ट्रम्पेट कर रहा है प्रेज वन से करना भाई प्रेज वन सेल्फ खुद क्या गुड़गान करना प्रेज वन सेल्फ करना वन सेल्फ प्रेज वन सेल्फ मतलब क्या अपने मुंह में या मिट्ठू बनना है ना ब्लो वंस ओन ट्रिमपिट की मीनिंग क्या हो गया भाई अपने मुंह में या मिट्टू बनना अपना ही गुड़गान करना ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब हो गया मेक द ऑडियंस एपलॉज सॉरी इंथुजियाली बिल्कुल खुश होके uh, बिल्कुल जील तरीके से आपको क्या करे भाई अपलॉड करे बटन वन स्लिप्स बटन वन स्लिप्स बटन वन स्लिप्स मतलब अपना मुंह बंद कर लेना बटन वन स्लिप का मतलब क्या होता है भाई अपना मुंह बंद कर लेना मतलब स्टॉप टॉकिंग चुप हो जाना अपना मुंह बंद करना मतलब स्टॉप टॉकिंग चुप हो जाना उसको बोलते हैं बटन वन लिप्स है ना बटन वंस लिप्स बटन वंस क्लियर है बटन वंस क्लियर है बी इन माइंड बी इन माइंड मतलब क्या रिमेंबर होना याद रखना बी इन माइंड बी ई ए आर एन आई एन एम आई एन डी बी इन माइंड बीयर इन माइंड की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई रिमेंबर करना याद करना स्मरण करना याद रखना बी इन माइंड याद रहेगा बी इन माइंड 471 बिल्ड कैसल इन द एयर बिल्ड कैसल इन द एयर है ना बिल्ड कैसल इन द एयर काफी पॉपुलर है मैं हमेशा याद रखता हूं इसको क्या कहना है भाई डे ड्रीमिंग करना मतलब ख्वाबों में खोए रहना है ना रियलिटी से कोई वास्ता ना होना ठीक है उसको बोलते क्या बिल्ड कैसल इन द एयर हवा में क्या करना भाई कैसल बनाना इमारतें बनाना हवा में इमारतें तो बनती नहीं है कैसल मतलब क्या वो ऊंची ऊंची इमारतें जो बनती हैं ठीक है उसको कैसल बोलते हैं बिल्ड कैसल इन द एयर क्या हवा में इमारतें बनती नहीं ना वैसे डे ड्रीमिंग करना रियलिटी से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं हवा में किले बनाना मतलब डे ड्रीमिंग करना रियलिटी में नहीं होना डे ड्रीमिंग करना bite the dust धूल चाटना bite the dust bite the dust का मतलब क्या होता है भाई धूल चाटना मतलब क्या हार जाना suffer a defeat suffer a defeat धराशाही होना धूल चाटना मतलब हार जाना किसी कांटेस्ट में आप हार गए हो किसी कंपटीशन में आप क्या हो गए हो bite the dust कर लियो मतलब क्या हार गए हो धूल चाट लियो क्लियर है ना धूल चाटना हार जाना build castle in the air मतलब क्या डे ड्रीमिंग करना इल्यूजन में रहना बियर इन माइंड मतलब किसी को याद रखना रिमेंबर रखना बटन वन स्लिप्स मतलब क्या होता है भाई अपना मुंह सिल लेना कुछ ना बोलना जुबान को ना खोलना बटन वन स्लिप ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट की मीनिंग क्या होती है भाई मुंह में या मिठ्ठू बोलना खुद को प्रेज करना ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब क्या होता है भाई वाह वाई करना मेक द ऑडियंस एप्लॉड ठीक है चलो बट इनका मतलब क्या होता है भाई बट इनका मतलब होता है इंटरप्ट करना इम्पीड करना, करना हिंडर करना बर्न योर बर्न योर बोर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जिस रास्ते पर जा सकते थे तो उसको बर्न कर देना चलो ब्लू ब्लडेड ब्लू ब्लडेड क्या होता है भाई रॉयल फैमिली से बिलोंग करना या किसी नोबल फैमिली से बिलोंग करना उसको बोलते हैं क्या ब्लू ब्लडेड ब्लू ब्लडेड ब्लू ब्लडेड रॉयल फैमिली से बिलोंग करना रॉयल फैमिली से बिलोंग करना या फिर इसी को क्या बोलते हैं नोबल फैमिली से बिलोंग करना या फिर एरिस्टो एरिस्टो क्रैरिटी से बिलोंग करना एरिस्टो फैमिली से बिलोंग करना ठीक है एरिस्टोक्रेसी ठीक है एरिस्टोक्रैट फैमिली से बिलोंग करना उसको क्या बोलते हैं भाई कुलीन वर्ग से बिलोंग करना एक जिसका एक आ, रेपुटेशन हो सं, आ, समाज में सोसाइटी में उस फैमिली से बिलोंग करना उसको बोलते हैं ब्लू ब्लडेड चलो भाई अभी जितनी भी एडियम्स हमने करे हैं वो सारे के सारे बी लेटर से स्टार्ट हो रहे थे सारे के सारे एग्जाम में आए हुए भी हो सकते हैं एग्जाम में आने के चांसेस वाले भी हो सकते हैं मतलब बी से जितने भी एडियम पॉसिबल थे वो हमने करे ए से जितने भी एडियम्स पॉसिबल थे वो हमने करे अब आगे जो देखना है हमें वो देखना है कि एडियम्स जो स्टार्ट होंगे किससे भाई सी से सी लेटर से स्टार्ट होने वाले एडियम्स के बारे में बात करना है और सबसे पहला एडियम आपके सामने है केज इन लाइक अ वाइल्ड एनिमल है ना मतलब like मतलब क्या जानवर जानवर की की तरह कैद होना। की तरह होना होना कोई कोई अपने बच्चों को ऐसे रखते हैं कहीं नहीं जाने देते सीधा से घर स्कूल से घर और फिर क्या ट्यूशन वाले सर आएंगे तो वो पढ़ाएंगे और कहीं नहीं जाना किसी से मतलब नहीं रखना बाहर नहीं निकलना उसको ऐसा फील होता है कि वो कैसा है भाई केज्ड इन है मतलब क्या? बिल्कुल कैद है कैद है कैसे कैद है भाई किस दीन? कैसे मीनिंग को एक्सट्रेक्ट करते है? वो देखो कैद है भाई किसडीन है कैद है लाइक किसकी तरह भाई लाइक तरह अ वाइल्ड जानवर एक जंगली जानवर एक जंगली जानवर है ना ठीक है एक जंगली जानवर तो एक जंगली जानवर की तरह कैद है मतलब क्या टू हैव नो फ्रीडम जिसके पास क्या हो कोई भी फ्रीडम ना हो कोई भी फ्रीडम ना हो जानवर की तरह कैद होना कहलाता है टू हैव नो फ्रीडम दैट इज व्हाट एडियम्स सॉरी क्या केज्ड इन अ केज्ड इन लाइक अ वाइल्ड एनिमल किसी भी क्या जानवर की तरह कैद होना ठीक है टू हैव नो फ्रीडम कोई भी फ्रीडम ना होना ठीक है नॉट फ्री नॉट फ्री हैव नो लिबर्टी क्लियर है चलें आगे फोर सेवन फाइव कह रहा है कैलकुलेटेड रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क रिस्क तो लो लेकिन कैसा रिस्क लो कैलकुलेटेड रिस्क लो कि मतलब समझ आया कि कितना मैं हारूंगा तो कितना कहां जाके गिरूंगा अगर मैं उस वाली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या फिर किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मैं कहा किस हद तक जा सकता हूं अगर ये चीज नहीं पॉसिबल हो पाई इन केस ठीक है तो मैं कहाँ पे जाके रुकेगी वो वाली बात है उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क अ रिस्क टेकन आफ्टर अ केयरफुल थिंकिंग बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद बाद आपने क्या लिया भाई एक रिस्क लिया उसको बोलते हैं क्या कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड रिस्क क्या बोलेंगे भाई सोच समझ कर खतरा उठाना सोच समझ कर क्या करना भाई खतरा उठाना उसको बोलेंगे क्या कैलकुलेटेड रिस्क क्या बोलेंगे कैलकुलेटेड रिस्क कॉल इट क्विट्स क्या क्या बोल रहा है भाई कॉल इट क्विट्स क्विट्स मतलब क्विट मतलब छोड़ना ना. मतलब क्या? हार मानना हार मानना. ठीक है हार हार मानना. Call it quits का मतलब क्या होगा करना. हार जाना. है ना सेम वही चीज कॉल इट क्विट्स मतलब क्या हार मान जाना अप करना ठीक है हार मान जाना अप करना कॉल इट क्विट्स फोर सेवेंटी सिक्स फोर सेवेंटी फाइव मतलब क्या कैलकुलेटेड रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क आ जाओ जरा वापस से एक बार देख लो किस इन लाइक ऑफ वाइल्ड एनिमल मतलब जी, किसी की आजादी को छीन लेना है ना मतलब कोई भी फ्रीडम नहीं देना किसी को इन लाइक वाइल्ड एनिमल्स का मतलब सिर्फ इतना हुआ किसी को आजाद ना करना कैलकुलेटेड रिस्क मतलब कि बिल्कुल सोच समझ के कोई रिस्क लेना बिल्कुल ही सोच समझ के अंडरस्टैंडिंग करके कोई रिस्क लेना कॉल इट क्विट्स का मतलब क्या हो गया भाई कॉल इट क्विट्स का मतलब गिव अप करना गिव इन मतलब क्या होता है गिव इन गिव अप तो आपने पढ़ लिया गिव इन गिव इन मतलब क्या कि आप वो चीज छोड़े ही नहीं रहो आप वो चीज छोड़ नहीं रहो हार ही नहीं मान रहे उसको बोलते हैं गिव इन करना ठीक है और गिव अप मतलब क्या हार मान जाना छोड़ देना कॉल अ स्पेड एंड स्पेड है ना कॉल अ स्पेड एंड स्पेड दो बार ये लिखा हुआ है स्पेड एंड स्पेड इसका मतलब होता है टू बी वेरी फ्रेंक बहुत ज्यादा फ्रेंक होना टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रेंक क्या टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक है ना बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और फ्रैंक होना उसको क्या बोलते हैं कॉल अ स्पेड एंड स्पेड क्या बोलेंगे भाई कॉल अ अ स्पेड 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 एंड 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 क्या टू बी वेरी फ्रैंक ऑनेस्ट कॉल कॉल ऑफ करना कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल ये इंपॉर्टेंट है भाई बस इतना ही लिख कर आएगा आपके पेपर में और आप कंफ्यूज होगा कॉल मतलब बुलाना ऑफ मतलब क्या ठीक है तो क्या आपने बुला बुलाया है ना कॉल मतलब क्या बुलाना और ऑफ मतलब क्या डिटैचमेंट है ना ऑफ मतलब क्या डिटैचमेंट ये तो बताया मैंने डिटैचमेंट या फिर अलगाव है ना अलगाव तो जो चीज को बुलाया उससे अलग हो गया मतलब बुलाना को क्या कर दिया आपने कैंसिल कर दिया क्या कर दिया कैंसिल कर दिया तो जैसे भी आपको कहानी बनानी समझ में आ जाए कहानी बना लिया करो फटाफट कैंसिल करना मतलब क्या रद्द करना एब्रोगेट करना ठीक है क्या भाई कैंसिल करना कॉल ऑफ करना भाई क्लियर है चले आगे फोर कॉल नेम्स क्या करना भाई नेम्स बुलाना कॉल नेम्स कॉल नेम्स का मतलब क्या होता है भाई टू एब्यूज कॉल नेम्स मतलब क्या टू एब्यूज गाली देना ठीक है ना अब जैसे आप अपने पापा, अपने पापा को अपने पापा को अपने अपने पापा को नाम से बुलाओ तो ऐसा लगेगा ना कि मेरा लड़का मुझे नाम से बुला रहा है मतलब गाली की तरह ही काम करेगा वो तो टू कॉल नेम्स का मतलब क्या हो गया भाई टू एब्यूज गाली देना टू एब्यूज गाली देना ठीक है कॉल द शॉर्ट्स कॉल द शॉर्ट्स की क्या मीनिंग क्या हो जाएगी भाई गिव द ऑर्डर्स कॉल द शॉर्ट्स मीनिंग क्या गिव द ऑर्डर्स शॉर्ट्स शॉर्ट्स को ऑर्डर देना शॉर्ट्स को बुलाना मतलब क्या गिव द ऑर्डर्स ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको लिख के याद ही करना है आपने डायरेक्टली ये ऐसे ही उठ के पेपर में आएंगे आपके जैसे यहां दिख रहे हैं वैसे ही पेपर में आएंगे आपके कुछ और इसमें चेंजेस नहीं होगा ठीक है कॉल द शॉर्ट्स मतलब क्या गिव द ऑर्डर्स गिव द ऑर्डर्स ऑर्डर्स देना क्या करना भाई ऑर्डर देना डन है चलो अगला है कैलुअस रिमार्क कैलुअस मार्क मतलब होता है क्या बिल्कुल एरिमोसिटी से भरा हुआ हॉस्टेलिटी से भरा हुआ है ना दुर्भावना से भरा हुआ ऐसे समझ सकते हो तो कॉलुअसार्क रिमार्क का मतलब क्या हो गया हर्टफुल हर्टफुल क्या हो गया असंवेदनशील टिप्पणी करना इनसेंसिटिव कमेंट, शोइंग लैक ऑफ फीलिंग फॉर अदर्स इनसेंसिटिव कमेंट, क्या भाई इनसेंसिटिव कमेंट इनसेंसिटिव कॉमेंट्स ठीक है, इनसेंसिटिव कमेंट्स क्या होगा भाई कॉलवस रिमार्क यही लिख लो इनसेंसिटिव कमेंट्स अभद्र टिप्पणी करना इसको क्या लिख सकते हो भाई अभद्र टिप्पणी करना टिप्पणी करना ये तो पढ़ा ही होगा अभद्र टिप्पणी ठीक है ना आर्टफुल या फिर इनसेंसिटिव कमेंट्स शोइंग लैक ऑफ फीलिंग फॉर अदर्स ठीक है can see a mile off can see a mile off का मतलब होता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है can see a mile off क्या क्वाइट क्लियर एंड एविडेंट ऑबवियस क्या ऑबवियस भी बोल सकते हैं इसको ठीक है क्वाइट क्लियर एंड एविडेंट बहुत ज्यादा क्लियर होना लूसिड भी बोल सकते हो उसको लूसिड भी बोल सकते हो कैन सी कैन सी अ माइल ऑफ याद रहेगा कैन सी अ माइल ऑफ इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा राइट डाउन करना पड़ेगा ठीक है चलो कैल्यूस कैल्यूस रिमार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज मार्क करेंगे कैल्यूस रिमार्क क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है कैंसी कैंसी और माइल ऑफ तो अभी तक नहीं आया लेकिन कैल्यूस रिमार्क कई बार आपके पेपर में देखने को मिला है. तो ये चीज आप माइंड uh, करेंगे कैरी द कोल टू कैरी द कोल टू न्यू कैसल न्यू कैसल तक कोल को कैरी करना क्या कहलाता है कैरी द कोल टू न्यू कैशल क्या कहलाएगा भाई कैरी द कोल टू न्यू कैसल न्यू कैसल क्या है भाई न्यू कैसल इज अ प्लेस नोन टू हैव वास्ट कोल जहां पे बहुत ज्यादा कोयला अवेलेबल हो एक ऐसा प्लेस जहां पे बहुत ज्यादा कोयला अवेलेबल हो वहां पे आप क्या करो कोयला ढो के ले जा रहे हो तो भाई ये गलत बात हो जाएगी वह गलत बात हो जाएगी जिसका कुछ मतलब नहीं है अ यूजलेस एफर्ट बेकार एफर्ट है भाई पहले से ही वहां पे कोयला अवेलेबल है तुम और कोयला लेकर जा रहे हो मतलब पहले से कोयला अवेलेबल क्या बहुत ज्यादा कोयला है ठीक है और वहां पे तुम कोयला लेकर जा रहे हो क्या मतलब इसका मतलब तुम बेकार का का क्या कर रहे हो भाई एफर्ट डाल रहे हो तो कैरी द कोल टू न्यू कैसर का मतलब क्या होता है अ यूजलेस एफर्ट क्या भाई अ यूजलेस एफर्ट कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन ठीक है ना कास्ट पर्ल्स स्वाइन अ राइट थिंग इन रॉन्ग हैंड्स है ना अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड्स ठीक है ना क्या भैंस के आगे बिन बजाना अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड्स कहलाता है क्या कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन तो इसको भी आपने क्या रखना है भाई इसको भी आपने राइट डाउन करके याद ही रखना है अगला कह रहा है कांट क्वाइट नील इट डाउन उट और कांट अंडर स्टैंड जो चीज समझ ना आ रही हो अंडर स्टैंड जो चीज समझ न आ रही हो उसको तो क्या बोलेंगे रिमेंबर वो चीज समझ नहीं आ रही है जिस चीज को क्वाइट क्वाइट मतलब मतलब क्या quite, मतलब, आ, बहुत मतलब आ, वेरी है ना नेल इट डाउन मतलब नेल मतलब को निकाल के बाहर करना मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे उस चीज को अंडरस्टैंड करे कैन नॉट क्वाइट फिगर आउट और रिमेंबर क्लियर है चलो कर्टन लेक्चर देना कर्टन लेक्चर देना मतलब क्या कर्टन लगाकर किसी को खड़े करके उसको डांटना नहीं कर्टन लगा दिया कर्टन मतलब पर्दा पर्दा लगा के उसको दूसरी तरफ ले जाकर देना भाई उसको डांटना उसको बोलते क्या फटकार लगाना क्या अ प्राइवेट स्कोल्डिंग बाय वाइफ टू हर हस्बैंड अच्छा जी वाइफ जब हस्बैंड को कुछ बोल रही होती तो वो सबके सामने बोले कि नहीं भाई चुपचाप कमरे में ले जाकर बोलेगी भाई तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया है ना तो उसको बोलते कहलाता है है भाई कर्टन लेक्चर कहलाता याद रखना और याद हो भी गया होगा अब तक कर्टन लेक्चर का मतलब क्या होता है वाइफ का प्राइवेट में पति को गुस्सा करना डांटना कहलाता है क्या कर्टन लेक्चर और ऊपर क्या लिखा था कांट क्वाइट नेल इट डाउन मतलब क्या कांट अंडरस्टैंड कांट क्वाइट नेल इट डाउन मीन वट कांट अंडरस्टैंड ये चीज एक बार दो बार तीन बार रिपीट करो वैसे ही अंडरस्टैंड हो जाएगा क्या कांट कांट क्वाइट इट डाउन अंडरस्टैंड जो चीज समझ नहीं आती है उसको बोलते हैं क्या कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन मतलब राइट राइट थिंग इन रॉन्ग पर्सन या फिर रॉन्ग अर गलत आ, हाथ में सही चीज का होना मतलब क्या कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन कैरी द कोल टू न्यू कैसल मतलब होता है अ यूजलेस स वर्ड uh, क्या एफर्ट बिल्कुल बेकार का एफर्ट उसको बोलते हैं कैरी द कोल्ड टू द न्यू कैशल ठीक है कैन सी अल ऑफ मतलब वेरी क्लियर लूसीड या क्वाइट क्लियर है ना उसको बोलते हैं कैन सी अल ऑफ कैलुअस रिमार्क का मतलब होता है क्या कैलुअस रिमार्क का मतलब होता है इन इनसेंसिटिव कॉमेंट है ना इनसेंसिटिव कॉमेंट कैलुअस रिमार्क का का मतलब होता the call the हो the call का मतलब होता होता है है की क्या हो जाएगी पापा वाली बात याद रखना जो मैं मैंने बताया अभी आपको ठीक है कॉल ऑफ मतलब क्या कैंसिल करना कॉल स्पेड एंड स्पेड का मतलब होता है टू बी वेरी frank एंड टू बी हॉनेस्ट है टू बी ऑनेस्ट ठीक है चलो ट क्या टॉलोरेट कांट स्टैंड इट कांट वोलरेट वो चीज बर्दाश्त से बाहर है can't bear it. है ना कांट बियर इट जिसको सहा नहीं जा सकता जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कांट स्टैंड इट कांट टॉलरेटेड ठीक है कैंडिड ओपिनियन कैंडिट मीनस होता है बिल्कुल ऑनेस्ट क्लियर कैंडिड मींस वो वाली कैंडिडेट नहीं जो आप कैंडिडेट फोटो लेते हो

ठीक है ठीक है फ्रैंक भी बोल सकते हैं क्या फ्रैंक भी बोल सकते हैं कैंडिडेट ओपिनियन मतलब क्या बिल्कुल फ्रैंक ओपिनियन क्या ओपन ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन बिल्कुल ही निष्कपट निष्कपट विचार याद ना रखो तो भी ठीक है कैंडिडेट मतलब फ्रैंक याद रखो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ठीक है याद भी रहेगा आजा फोर एटी नाइन कैपिटलाइज अपॉन एन अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज अपॉन एन अपॉर्चुनिटी टेक एडवांटेज ऑफ अ चांस कैपिटलाइज एंड अपॉन एन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौके का फायदा उठाना जो मौका आपके हाथ लगा हुआ है आप उसका फायदा उठा रो टेक एडवांटेज ऑफ अ चांस किसी भी चांस uh, का क्या ले ले रहे रहे हो भाई आप एडवांटेज हो दैट इज वॉट कैपिटलाइज अपॉन एन अपॉर्चुनिटी आपने क्या किया मौके का फायदा उठाया कैपिटल पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट की मीनिंग क्या होगी भाई डेथ पेनाल्टी अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कैपिटल पनिशमेंट मतलब राजधानी की पनिशमेंट राजधानी की पनिशमेंट क्या हो जाएगा भाई मृत्युदंड डेथ पेनाल्टी

नीति नॉट निधि दाम एंड दाम और दंड की नीति रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी क्या रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी रिवॉर्ड का मतलब क्या हो गया भाई कैरेट रिवॉर्ड है ना स्टिक मतलब क्या पनिशमेंट ठीक है पॉलिसी नीति या नियम ठीक है तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होगा भाई रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी कैरिड अवे भावुक हो जाना, कैरिड अवे मीन वावु भावुक हो जाना। 493, केस ऑफ द जिटर्स केस ऑफ द जिटर्स सेकिंग विथ फ़ियर बिफोर एन इवेंट केस ऑफ द जिटर्स केस ऑफ द जिटर्स क्या होता है आप बिल्कुल घबरा गए हो. कोई चीज होने वाली है उसके पहले ही घबरा गए हो कोई एग्जाम देने जा रहे हो उसके पहले ही बिल्कुल घबरा गए हो मतलब चीज होने वाली है उसके पहले ही क्या हो? हो गयो? डर गए घबरा गए उसको बोलते हैं केस ऑफ द जिटर्स क्या बोलेंगे जिटर्स याद रहेगा केस ऑफ द जिटर्स कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड क्या कहलाता है टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली री मैटर्स विद हैंड मतलब क्या हो गया भाई स्ट्रिक्टली किसी पर्सन के साथ डील करना उसको बोलते हैं कैरी मैटर्स विद हाई हैंड हाई हैंड के साथ किसी मैटर्स को डील करना मतलब क्या हो गया भाई क्या टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली सख्ती से निपटना सख्ती से निपटना 495 कास्ट अ ग्लैंस एट कास्ट अ ग्लैंस एट का मतलब क्या हो गया टेक अ लुक एट टेक अ लुक एट नजर डालना

Disgrace, मतलब किसी को क्या करना भाई बदनाम करना उसको बोलते हैं क्या कास्ट अस्टिंग मतलब याद रखना अनकाइंड है ना कास्ट एस्पर्जन अपान का मतलब क्या हो गया भाई मेकिंग अनकाइंड सॉरी मेकिंग अनकाइंड रिमार्क्स बहुत ही गलत तरीके से टिप्पणी करना अलग तरीके से टिप्पणी करना स्ट्रेंज तरीके से टिप्पणी करना कैजुअल कमेंट मतलब बिना सोचे समझे टिप्पणी करना रिमार्क मेड विदाउट थिंकिंग कैजुअल कमेंट कैजुअल आपको याद ही है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से है ना बिना सोचे समझे कैजुअली कहते ना भाई कैजुअली मैंने बोल दिया तो कैजुअली बोल दिया तो बिना सोचे समझे मैंने बोल दिया अपने पन में बोल दिया तुझे तो बुरा नहीं लगेगा इसलिए बोल दिया उसको बोलते क्या कैजुअल कॉमेंट क्या बोलेंगे कैजुअल कमेंट तो ये भी आपने क्या करना है राइट डाउन करके याद करना अभी जो मैंने लगातार बताए हैं आपको ये सारे के सारे यहां से कैरीडे मतलब बहुत ज्यादा भावुक हो जाना केस ऑफ द जिटर्स मतलब क्या होना भाई कोई भी इवेंट हो रहा है कोई इवेंट होने वाला उसके पहले ही आप क्या करो घबरा जा रहे हो तो केस ऑफ द जिटर्स हो गया वो वो जो केस केस है आपका ऑफ द जिटर्स हो गया कैरी मैटर्स विद हाई हैंड मतलब किसी से बहुत ही सख्ती से निपटना बहुत ही स्ट्रिक्टली किसी के साथ पेश आना उसको बोलते हैं क्या कैरी मैटर्स विद द हाई हैंड क्लियर है चलो आगे क्या कह रहा है अगला अगला कह रहा है फोर नाइन्टी फाइव कै कास्ट अ ग्लांस एट मतलब क्या ओवरव्यू ओवरव्यू करना क्या करना भाई ओवरव्यू करना cast a slur cast a slur मतलब क्या disgrace करना किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना ठीक है चलो अगला क्या कह रहा भाई cast aspersions upon ये सब का मतलब ही क्या बुरी टिप्पणी करना अब आपको क्या करना है कुछ कर कुछ नहीं करना इसको उठाना है इसको उठाना cast a को उठाना है और क्या करना भाई इसके साथ इसके साथ उठा के रख देना तीनों को एक साथ रखना है, कभी भूलेगा नहीं तीनों को एक साथ उठाकर भूलेगा वो हमेशा याद रखे, रह, रहेगा क्या कास्ट कास्ट एक्सपर्जन करना 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 और कैजुअल कैजुअल रिमार्क करना कॉमेंट की जगह पर रिमार्क भी लिख सकते हो टिप्पणी करना राइट तो उसको बोलते हैं रिमार्क मेड विदाउट थिंकिंग बिना सोचे समझे ऊपर वाले में भी समथिंग सम्त, लाइक दैट है ठीक है चलो फोर डबल नाइन कह रहा है कैट एंड डॉग लाइफ कैट एंड डॉग लाइफ कैसी लाइफ होती है भाई ये कुत्ते बिल्लियों वाली परेशान रहते वो हमेशा कभी कोई आके किसी को भोग दे रहा है कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कैसी लाइफ बिल्कुल ट्रबल वाली लाइफ है ना कहीं से कुछ एसी वेसी क्या एक ठंडी मतलब एक कहते हैं पंखे का भी कुछ सारा नहीं है अब देखो भाई जो कुत्ता बड़े मतलब सानो सौकत में रहता है वो भी कुत्ता ही है उसकी भी लाइफ देख लो ठीक है मतलब अब यहां से समझ आता है कर्मा कर्मा से समझ आता है भाई कि वो कुत्ता देखो भाई ऐसा आराम की जिंदगी जी रहा है अब एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखता होगा जो गाड़ी में घूम रहा है और ये वाला कुत्ता जो बाहर गली में घूम रहा है भाई क्या लाइफ है तेरी गाड़ी में घूम रहा है यही तो सोचता होगा ना क्या सोचता होगा ठीक है लाइक ह्यूमन बींगस ठीक है कैट एंड डॉग लाइफ क्या होता है ट्रबलसम लाइफ बिल्कुल परेशानी भरा जीवन क्या परेशानी भरा जीवन बिल्कुल ट्रबलसम लाइफ को क्या बोलेंगे कैट एंड डॉग लाइफ कैच स्नूज कैच अच स्नूज मतलब क्या होता है टेक अ नैप स्नूज मतलब क्या? जैसे ही आप अलार्म आपका बसता तो आप उसको स्नूज पे लगा तो बाद, दस बाद, बीस बाद, कि मैं नहीं अभी सोलू पांच मिनट बाद लेना अपना वही याद रखना जब भी आ जाए कैच स्नूज तो, स्नूज से याद रखना क्या जो झपकी लेते हो आप पांच दस मिनट वाला कि पांच मिनट और सो जाए वही पांच मिनट सोने वाला क्या होता है स्नूज होता है झपकी लेना टेक अ नैप क्लियर है ना टोटल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए भाई एडीएम एंड फ्रेजेस के 500 500 क्वेश्चन आपने किसके कर लिए एडीएम एंड फ्रेजेस से कर लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करें बिल्कुल एग्जाम आपके पास है तो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है पढ़ाई करना रैंक लानी है ये सोच के चले चलिए थैंक यू सो मच मेरी कामना है आपके साथ थैंक यू